नमः पार्वती पते हर हर, हर महादेव। वेलकम अमन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फर्स्ट ऑफ ऑल, महादेव की पूरी दुनिया भक्त है, पूरा हिंदुस्तान के एक एक बच्चा महादेव का भक्त है। आप कितने बड़े भक्त हैं सबसे पहले वो जानेंगे आपसे। मैं सबसे पहले थैंक यू शिवम मुझे इस बजूका के साथ इंटरव्यू करने के लिए। मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ शिव जी का, और जैसे कि आज महाशिवरात्रि, आप सबको बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। और इस पर्व पे मैं मंदिर आया हूँ। वैसे रोज़ टाइम नहीं मिलता मुझे मंदिर आने का, क्योंकि सुबह से ट्रिप भागना रहता है। तो आज मैंने शिव जी को दूध चढ़ाया, फिर उनकी पूजा की। जैसे कि मुझे शिव जी से एक अलग सी एनर्जी मिलती है, एक पॉजिटिविटी मिलती है। यस, लेकिन दिन की शुरुआत अगर शिव जी से हो तो वो दिन बहुत ही खास होने वाला है, राइट अमन? यस यस यस, डेफिनेटली। तो मैं घर पे जब भी सुबह उठता हूँ तो मैं नहा के सबसे पहले मैं ओम नमः शिवाय का जाप 5 बार करता हूँ। क्योंकि पहले मैं करता था जब मैं ये शो नहीं कर रहा था, जब मैं घर पे था, जब थिएटर टाइम पे, तो मैं रुद्राक्ष का 108 बार, मतलब 5 माला मैं रुद्राक्ष का ओम नमः शिवाय का करता था। तो अभी टाइम नहीं मिल पाता उसके लिए, और क्योंकि हेक्टिक ना शेड्यूल है मेरा। तो सुबह उठता हूँ तो नहाने के बाद सबसे पहले मैं ओम नमः पूजा करता हूँ, तो 5 बार ओम नमः शिवाय बोलता हूँ, उसके बाद ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। इस बार महाशिवरात्रि आप हमारे साथ मना रहे हैं, हर बार किस तरीके से मनाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या यही मंदिर होता है या किसी और मंदिर में आप जाते हैं? शिवरात्रि इसके पहले मैं कहीं और रहता था तो वहाँ जाता था। अभी मैं इधर गोरेगांव में शिफ्ट हुआ हूँ, तो इस मंदिर में मैं बहुत रह रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो घर पे ही पूजा करता हूँ, तो आज आने का मुझे मौका मिला। लेकिन ऐसी कोई विश जो भोलेनाथ से आपने मांगी हो, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे थे, सारी चीज़ें आपकी फेवर में नहीं आ रही थी, ऐसी कोई विश जो आपने मांगी हो और भोलेनाथ ने एक्चुअली में आपकी विश जो है वो कम्प्लीट की हो? ऐसी तो कोई खास विश नहीं है जो मैंने मांगी है। बाकी मैं यही भोलेनाथ से मांगता हूँ कि भगवान, मैं खुश रहूँ, मेरे ऊपर कोई बाधाएं ना आए, और मेरी लाइफ जैसे एकदम स्मूथली चल रही है वैसी चलती रहे, और वैसी ही चल रही है शिव जी के आशीर्वाद से। ये देखिए, आपका कुर्ता भी महाकाल से पूरा भरा हुआ है, तो ये दर्शाता है कि आप कितने बड़े भक्त हैं महादेव के, है ना? यस यस राइट। तो ये आज शिवरात्रि है तो आज तो पहनना बनता था, राइट? लेकिन ये क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा बताइए ज़रा। क्या ये, आई थिंक ये रुद्राक्ष टाइप के थोड़े से लग रहे हैं जैसे। हाँ, ये इसको शायद ये कौन सा लकड़ी बोलेंगे इसको, मटेरियल है ये। हाँ। क्योंकि ये अलग एक टच दे रहा है आपके कपड़ों में। यस, ये ऑर्गेनिक है पूरा, राइट? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, हैप्पी महाशिवरात्रि आपको, और लास्टली एनी मैसेज टू द ऑडियंस? बहुत बहुत थैंक यू मुझे देखने के लिए, और आप सबको शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका साल मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो, आप खुश रहें, हंसते रहें, और अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें। बस, धन्यवाद।